Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में खान पान से रिलेटेड कुछ गलत फहमियों के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके आसपास के लोगों से आप बहुत सारी बातें सुनते होंगे, आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये खाने से बच्चा सांवला हो जाएगा, वो खाने से आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो ऐसी ही कुछ गलत फहमियों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गलत फहमी नंबर वन, प्रेगनेंसी में चाय कॉफी पीने से बच्चा काला हो जाएगा, या फिर जामुन खाने से बच्चा काला हो जाएगा, या फिर केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा हो जाएगा। तो ये सारी बातें गलत है, क्योंकि आपके खाने पीने से बच्चे की स्किन के कलर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बच्चा काला होगा या गोरा होगा ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे जीन्स मिले हैं, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के पेरेंट्स, उसके फादर मदर दोनों गोरे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा सांवला हो सकता है क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स सांवले हो सकते हैं। तो बच्चे की कैसे जीन्स है इससे बच्चे की स्किन का कलर डिसाइड होगा, ना कि आपके खाने पीने से। बेशक अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो कैफीन और जो टैनिन होता है इससे बेशक आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में आप दिन भर में जैसे एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो कप चाय कॉफ़ी पी सकते हो, इससे बच्चा काला या गोरा नहीं होगा। या फिर अगर आप केसर वाला दूध भी पीते हो तो बेशक ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इससे बच्चे की स्किन का कलर डिसाइड नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। दूसरी चीज़ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कोकोनट वाटर या कोकोनट नारियल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, नारियल पानी या नारियल खाते हो, तो इससे बच्चे का सर बड़ा हो जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है और आपको इसके ऊपर बिलीव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नारियल पानी पीने से या फिर नारियल खाने से बच्चे का सर बड़ा नहीं होता है, और इनफैक्ट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ज़रूर से डेली नारियल पानी पीना चाहिए, या फिर अगर आप डेली नहीं पी सकते हो तो एटलीस्ट वीक में एक दो बार आप नारियल पानी आपको ज़रूर से पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, तो इससे बच्चे का सर बड़ा होगा। ये बिल्कुल मिथ है और इसको ज़रूर से ब्रेक करना चाहिए। तीसरी चीज़ कि अगर मैंगो का सीज़न है और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको मैंगो नहीं खाना चाहिए, मैंगो खाने से आपका मिसकैरेज हो जाएगा क्योंकि ये गर्म तासीर के होते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंगो का सीज़न था, मुझे भी मैंगो खाने का बहुत मन करता था, लेकिन मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बिल्कुल मना किया था कि आपको मैंगो बिल्कुल नहीं खाना है, इससे आपका मिसकैरेज हो सकता है। फिर जब मैंने इसके बारे में डॉक्टर के साथ डिस्कस किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप ज़रूर से मैंगो खा सकते हो, मैंगो खाने से मिसकैरेज नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा मैंगो आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि मैंगो में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है, मैंगो एक कैलोरी बॉम्ब है। तो ज़्यादा मात्रा में मैंगो आपको नहीं खाना है, लेकिन अगर आप दिन भर में एक या दो मैंगो खाते हो तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट मैंगो भी बहुत न्यूट्रिशस होता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो, मैंगो का सीज़न है, तो आप ज़रूर से दिन भर में एक या दो मैंगो खा सकते हो, इससे आपका मिसकैरेज नहीं होगा। इसके अलावा एक और गलत फहमी है कि प्रेगनेंसी में आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो, क्योंकि अगेन ये भी गर्म तासीर के होते हैं, तो इससे भी आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, तो ज़रूर से आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने हैं। जैसे अगर आप एक दो काजू ले लेते हो, एक अखरोट ले लिया, एक दो बादाम ले लिए, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाते हो तो इससे इसके बेनिफिट और ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो भिगोकर आप बादाम अखरोट ज़रूर से खा सकते हो, या फिर ऐसे ही बिना भिगोए भी अगर आप मॉडरेट अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स खाते हो
तो इससे भी आपका मिस कैरेज होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो प्रेगनेंसी में आपको ड्राई फ्रूट जरूर सिखाने हैं। गलत फहमी नंबर 5, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको नॉन वेज नहीं खाना है, क्योंकि ये भी गर्म तासीर का होता है, तो इससे भी आपका मिस कैरेज हो जाएगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे तो मेन फूड ही यही है, वहाँ पे तो तीनों टाइम, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तीनों टाइम कई बार नॉन वेज ही खाया जाता है। और वहाँ पे औरतें हमसे भी ज़्यादा, उनकी डिलीवरीज होती है, 3-4 बच्चे होते हैं, तो नॉन वेज खाने से मिस कैरेज हो जाएगा, ये भी गलत है। लेकिन इंडिया में जो नॉन वेज बनाने का जो तरीका है वो बेशक गलत है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा तेल या बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करते हो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें बनाने के लिए, तो इससे बेशक आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप कम तेल कम मसाले के साथ अगर आप उसको पकाते हो, सही तरीके से पकाते हो, जैसे उसको अच्छे से वॉश करते हो और उसको 100% कुक करते हो, जैसे अगर वो आधा कच्चा पक्का जैसा होगा, जैसे वो 50% भी कुक होगा, और वो अगर आप कंज्यूम करते हो, तो इससे बेशक आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन उसको अगर आप अच्छे से वॉश करते हो, अच्छे से पकाते हो, कम तेल कम मसाले यूज़ करते हो, तो आप नॉनवेज ज़रूर से खा सकते हो। और अगेन वो फ्रेश होना चाहिए, आपको बासी जो चीज़ें होती है वो नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप सही तरीके से नॉनवेज कुक करते हो तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा, तो वो भी आप ज़रूर से खा सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और कोई गलत फहमी आपके यहाँ पे आपने सुनी है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।